Hey everyone, this is Farheen Ansari and welcome back to the next part of Indian Contract Act ka topic hai Contingent Contract under Section 31 to 36. But before we begin with this topic, let me tell you that for all the creative notes on Indian Contract Act for CA, CS, LLB, and BCom students, you can join me in my Telegram group, of which the link is in the description below. Also, for any law queries, you can connect me on my Facebook Messenger under this name or on Instagram under this name. Now, let's get quickly started to understand the topic of the day. बच्चों आर टू टाइप्स ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट वन इज़ एंड अदर इज़ कंडीशनल अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनमें कोई कंडीशंस नहीं होती दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट एनी कंडीशंस एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स एज द नेम सजेस्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें पार्टीज कुछ कंडीशंस इम्पोज करती है बच्चों कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है एंड टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज योर इंश्योरेंस कंपनी आपने नोटिस किया है कि इंश्योरेंस कंपनीज आपके साथ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करती है कैसे वेल यू टेक एन इंश्योरेंस से फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस फॉर 3 इयर्स यू स्टार्ट पेइंग द प्रीमियम अब कॉन्ट्रैक्ट यह है कि अगर यह तीन साल में आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी कैन आई से किसी चीज के होने या न होने पे परफॉर्मेंस डिपेंड कर रहा है इसे कहते हैं कंटिंजन कॉन्ट्रैक्ट नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन थर्टी वन विच से इसकी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन कैसा कॉन्ट्रेक्ट कुछ करने या कुछ न करने का लेकिन कब अगर कोई इवेंट कनेक्टेड टू योर मेन कॉन्ट्रैक्ट होती हो या नहीं होती हो यानी द परफॉर्मेंस अंडर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे दस हजार रुपये दूंगा अगर तेरा घर जल गया तो यानी ए का परफॉर्मेंस कंडीशनल है कि बी के घर जलने पर अगर जला तो ए अपना पार्ट परफॉर्म करेगा और अगर नहीं जला तो ए अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा दिस इज कॉल्ड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अब जैसे मैंने आपको कहा कि कहांजेंट का मतलब ही होता है कंडीशनल तो सवाल यह है कि मैम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्स कब किया जा सकता है वेल well, जिस कंडीशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके होने या न होने पे विच मीन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमिटी एंड गारंटी कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं।

जैसे मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि ए बी को दस हजार रुपए देगा अगर शिप इंडिया पहुंची तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के होने पे डिपेंड करता है अब आप बताओ ए का बी को दस हजार रुपए देना कब एनफोर्स किया जाए ऑफ कोर्स जब शिप इंडिया पहुंचेगी तब दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नेक्स्ट इज सेक्शन 33, व्हिच डील्स विद कंटिशन कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट यानी अगर कंटिशन कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टन इवेंट के न होने पे डिपेंड करता है तो जब वो इवेंट नहीं होगा तब कंटिशन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जाएगा जैसे मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि ए बी को दस हजार रुपए देगा अगर शिप इंडिया नहीं पहुंची तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के न होने पर डिपेंड करता है अब आप बताओ ए का बी को दस रुपए देना कब एनफोर्स जाए ऑफकोर्स जब शिप इंडिया नहीं पहुंचेगी तब दिस इज कॉल्ड कंटिजन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नेक्शन थर्टी फोर दैट हर वो कंटीजनिबल है अगर यानी अगर कोई दो पर्सन ऐसे कंटीजन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं जो कि तीसरे पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट या एक्ट पर डिपेंडेंट करता है तो ऐसा इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है जैसे मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे एक लाख रुपए दूंगा अगर तेरी शादी सी से हुई तो अब आज की तारीख में सी ऑलरेडी मैरिड है डी से इसलिए बी की शादी सी से फिलहाल तो इंपॉसिबल इवेंट है हां ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में डी की डेथ हो जाए एंड सी बी से शादी कर ले बट यही तो ये यह सेक्शन समझाता है कि अगर कंटिजन कॉन्ट्रैक्ट किसी तीसरे पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पर डिपेंडेंट है तो दैट इज डीम्ड टू बी एन इंपॉसिबल इवेंट

स जून के पहले इंडिया पहुंच गई तो तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल होगा लेकिन अगर शिप तीस जून के एक दिन बाद पहुंची तो तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा दिस इज कॉल्ड कंटिन्शन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेड ऑन है थर्टी सिक्स स्टेट्स दैट कंटिन्श कॉन्ट्रैक्ट जो कि इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करता है वो अग्रीमेंट ही वॉइड है जैसे मान लो एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया टू तो पे रुपीज टेन थाउजेंड कब जब टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट होगी तब अब ना एवरी वन नोज दैट टू पैरल लाइन्स केन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर अब क्योंकि ये इवेंट ही इंपॉसिबल है ऐसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कहा जाता है so but this was all about contingent contracts hope you've understood the same clearly with examples and if you have any doubts pertaining to it do let me know in the comments below also for all the latest updates you can reach me on my telegram account under this name or on my facebook messenger under this name and for all the creative notes on indian contract act for ca cs and law students do join me in my telegram account of which the link is in the description below until we meet next time thank you everyone bye-bye